पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से और पाकिस्तानी कौम से माफी। इसके साथ साथ पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर पर बरस पड़े। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूँ, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है, आपने इसका जवाब हमें कमेंट बार में जरूर देना। आपके ख्याल में मोहम्मद आसिफ बड़े बॉलर थे या फिर मोहम्मद आमिर बड़े बॉलर है? आपने इन दोनों में से फर्क करना है और आपने अपने पसंदीदा बॉलर का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। जस्टर रोज पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने अमेरिकी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगी और उनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम मोहम्मद आमिर की तरह मुझे भी माफ कर देगी। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का मजीद कहना था कि मोहम्मद आमिर के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलूक किया, मुझे भी और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग स्टार सलमान भट्ट को भी इसकी उम्मीद थी, लेकिन मोहम्मद आमिर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनों वाला सलूक किया और हमारे साथ परायों वाला सलूक किया। मोहम्मद आसिफ का मजीद कहना था कि मुझसे पहले भी पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिक्सिंग करते थे और मेरे बाद भी पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलूक किया इसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मोहम्मद आमिर पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का कहना था कि मोहम्मद आमिर इस वक्त पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में बहुत अच्छी जगह बना चुके थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम को एक मरतबा फिर पैसों की खातिर भेज दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद आसिफ का मजीद कहना था कि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना नहीं दिया जितना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मोहम्मद आमिर को दिया है। मोहम्मद आसिफ का मजीद कहना था कि मोहम्मद आमिर की इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है, लेकिन उन्होंने पैसे की खातिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ दिया और अब वो दूसरी लीग खेलना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं। आपके ख्याल में मोहम्मद आसिफ ने जो बातें की हैं मोहम्मद आमिर के बारे में, क्या ये सही की हैं या फिर गलत की हैं? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर बताना है। इसके साथ साथ आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके ख्याल में बड़ा बॉलर कौन था, मोहम्मद आसिफ थे या फिर मोहम्मद आमिर थे? आपने इन दो सवालों के जवाब हमें कमेंट बार में जरूर देने हैं। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज़।